नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी गर्ग। तो शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। केंद्र ने कहा, यूपी और बिहार गंगा में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाएं, दिसंबर तक हर्ड इम्यूनिटी आने का दावा। कोरोना पर एक्सपर्ट का दावा, IIT के सीनियर प्रोफेसर बोले, दिसंबर तक देश में हर्ड इम्यूनिटी आएगी, 70% आबादी में एंटीबॉडी भी बन जाएगी। लॉकडाउन के भरोसे यूपी की योगी सरकार, पहले कोर्ट के आदेश पर भी नहीं लगा रहे थे लॉकडाउन, 25 दिन में 46,000 केस घटे तो पांचवी बार बढ़ाई सकती। 3 राज्यों में पाबंदियां बढ़ी, दिल्ली और हरियाणा में 24 मई तक बड़ा लॉकडाउन, पंजाब में 31 तक पाबंदी जारी, केजरीवाल बोले संक्रमण की दर घटना अच्छा संकेत। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाला अरेस्ट, दिल्ली के खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा गिरफ्तार, 3 गुना कीमत पर बेच रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। दूसरी लहर में पहली बार वीकली मामलों में कमी, बीते 7 दिनों में कोरोना के 23.2 लाख नए केस, ये पिछले 3 हफ्तों में सबसे कम, मौतों ने बढ़ाई चिंता। गुजरात में तूफान से पहले भूकंप, सौराष्ट्र के कई हिस्सों में 4.8 तीव्रता से झटके, आधी रात को लोग घरों से निकले। छत्तीसगढ़ के गांव में कोरोना के टीके से मौत की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, 45+ उम्र वालों का 100% वैक्सीनेशन हुआ। हरियाणा के गांवों को सरकार से उम्मीदें खत्म, बुखार बताने में भी शर्मिंदगी, लोग सोचते हैं कि अस्पताल गए मतलब पोटली में बंद कर लौटेंगे। मध्य प्रदेश के गांवों में 2 बार घर घर सर्वे और बॉयकॉट की चेतावनी देकर कोरोना से जीती जंग, कुछ गांवों में ऐसे जहां बीमारी के डर से ज्यादा विस्थापन का डर। मुंबई में तौकते चक्रवात का असर, 185 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश जारी, एयरपोर्ट दोपहर 2 बजे तक बंद। गुजरात में 23 साल बाद इतना भयानक तूफान, दोपहर 12 से 3 के बीच पोरबंदर तट से ताउकते टकराएगा, 1.5 लाख लोगों को कराया शिफ्ट। कोरोना की देशी दवा, DRDO की बनाई एंटी कोविड ड्रग 2DG लॉन्च, पाउडर फॉर्म में होगी दवाई, सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दी जाएगी। कोवैक्सीन ने सबसे सतर्क स्टडी में दावा, डबल म्यूटेंट वेरियंट के साथ ब्रिटेन के स्ट्रेन को भी खत्म कर देती है कोवैक्सीन, सभी वेरियंट पर कारगर। टेक्सटाइल टाइम्स खास, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 46 यात्री पॉजिटिव मिले तो दिल्ली में छोड़ा, इनको दोबारा टेस्ट कराया तो सभी नेगेटिव पाए गए। US और अमीर देशों की सलाह, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, मुश्किल वक्त में भारत और दूसरे विकासशील देशों की मदद करें, वैक्सीन पर नर्म रुख अपनाएं। नर्सें हमारी सुपर हीरो, अमेरिका के 100 से ज्यादा नर्सें नौकरी परिवार छोड़कर भारत आ रही, कम सुविधाओं वाले अस्पताल में सेवा देंगी, अपना सारा खर्च भी खुद उठाएंगी। टेक्सटाइल टाइम्स रिपोर्ट, इसराइल और हमास के बीच संघर्ष के 7 दिन, इसराइल में 10,000 भारतीय दिन रात बंकरों में गुजार रहे। अमेरिकी नर्स यूनियन मास्क छूट के विरोध में, कहा इससे हेल्थ वर्कर्स और आम जनता की सेहत को खतरा, या महामारी से निपटने के हमारे प्रयासों पर बड़ा आघात। वैक्सीनेशन से ही हारेगा कोरोना, दिल्ली और गोवा में वैक्सीनेशन कम तो संक्रमण ज्यादा, विश्व के उन शहरों में केस घटे जहां अधिक वैक्सीन लगी। आज की खास खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स, नमस्कार।